हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेन क्लाउड्स कैन बी एट अबाउट अ किलोमीटर एल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड। ए इफ रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम सच अ हाइट फ्रीली अंडर ग्रेविटी व्हाट विल बी इट्स स्पीड, ऑल्सो कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर, जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी आर टिपिकल रेन ड्रॉप इज अबाउट 4 mm मीटर, मोमेंटम इज मास इन टू स्पीड इन मैग्नीट्यूड, एस्टिमेट इट्स मोमेंटम वेन इट हिट्स ग्राउंड। सी एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर टू फ्लैटन द ड्रॉप। डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, एस्टिमेट हाउ मच फोर्स सच अ ड्रॉप वुड एक्सर्ट ऑन यू। एंड ई इज एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन अम्ब्रेला। टिपिकल लिटरल सेपरेशन बिटवीन टू रेन ड्रॉप इज 5 cm। अज्यूम दैट अम्ब्रेला इज सर्कुलर एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 1 m एंड क्लोथ इज नॉट पियर्स्ड थ्रू। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर वी विल यूज डिफरेंट की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें हम यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो भी वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे मोमेंटम का, मोमेंटम इज गिवन एज मास इनटू वेलोसिटी। थर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं फोर्स का, फोर्स इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेन क्लाउड्स कैन बी एट अबाउट अ किलोमीटर एल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड। यानी हमारे पास जो हाइट है वो एक तरीके से 1 किलोमीटर या 1000 मीटर के बराबर है। तो जब ये रेन ड्रॉप इस तरीके से अर्थ की सरफेस पे आएंगे तो लगभग उन्हें यहाँ पे 1000 मीटर की लेंथ को कवर करना पड़ेगा। और इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर तो जीरो हो गया, विल बी इक्वल टू 2 × g × h। वी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × g × h की। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं दिस विल बिकम 2 × 10 × h की वैल्यू आ जाएगी 10,000। सॉल्व करें इसको दिस विल बिकम 100√2 m/s। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था इफ अ रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम सच अ हाइट वेरी फ्रीली अंडर ग्रेविटी व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इट्स स्पीड विल बी 100√2 m/s। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किलोमीटर पर आवर में हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो दिस विल बिकम 100√2 × किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 20 × 18 × √2 के बराबर। और यहाँ से अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 510 km/h। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है अ टिपिकल रेन ड्रॉप इज अबाउट 4 mm डायमीटर, मोमेंटम इज मास इंटू स्पीड इन मैग्नीट्यूड, एस्टिमेट इट्स मोमेंटम वेन इट हिट्स ग्राउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास देखेंगे, हमारे पास जो टोटल रेन ड्रॉप है इसका कितना मास यहाँ पे आ रहा है, तो मोमेंटम हो जाएगा m × v के बराबर। मास को हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, क्योंकि जो वाटर है इसकी डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। वॉल्यूम आ जाएगा स्फेरिकल हम मान के चल रहे हैं 4/3 πr³ के बराबर। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर 4 mm है तो रेडियस 2 mm आ जाएगी। सॉल्व करें इसको दिस विल बिकम 1000 × 4/3 × 3.14। रेडियस आ जाएगी 2 mm तो 2 × 10⁻³ के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3.4 × 10⁻⁵ kg। और हमारे पास अगर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो जिसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम आ जाएगा 3.4 × 10⁻⁵। वेलोसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 100√2 या हम 510 भी इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मोमेंटम की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 4.7 ही आ जाएगा × 10⁻³ या kg/m/s। या हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखे तो 5 × 10⁻³ N/s हम इसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसकी बात करेंगे, इट इज एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर टू फ्लैटन द ड्रॉप। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये ड्रॉप थी। अब ड्रॉप जब यहाँ पे फ्लैट हो गई तो यहाँ पे ये जो पूरा हमारे पास सरफेस है एक तरीके से यहाँ पे फ्लैट हो गया, जब फ्लैट हो गया तो यहाँ पे इसकी जो डायमीटर होगी इस डायमीटर के बराबर ये यहाँ पे लेंथ को कवर करेगा। इसकी जो डायमीटर है 4 mm के बराबर है। और इस केस में टाइम निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमें इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी लेंथ को देखना है कि इसने यहाँ पे जब फ्लैट हुआ तो इसने टोटल यहाँ पे कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो अपने डायमीटर के बराबर ये लेंथ को कवर करेगा दैट विल बी 4 mm। तो आ जाएगा 4 × 10⁻³ और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड
अंडर रूट टू के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इसको, दिस विल बिकम 0.028 इंटू 10⁻³ सेकेंड के बराबर। इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 28 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 माइक्रो सेकेंड। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 माइक्रो सेकेंड, दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लैटन द ड्रॉप। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, एस्टिमेट हाउ मच फोर्स सच अ ड्रॉप वुड एग्जर्ट ऑन यू। अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्स की, तो जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है वो तो जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो के बराबर ली। जब ये यहाँ पे रेन ड्रॉप गिर रही होगी, इस केस में इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो के बराबर थी। जब हम यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो वी के बराबर होगी जो हमने कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा उसको मैं पी एफ से इंडिकेट कर देती हूँ। इस पर्टिकुलर केस में हम टाइम इंटरवल डेल्टी से इंडिकेट करेंगे, और जब ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उस केस में जो ड्रॉप होगी वो फ्लैटन हो जाएगी। तो फ्लैटन होने के लिए 28 माइक्रो सेकेंड का टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये अपने साथ जो मोमेंटम कैरी कर रहा है 4.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड का कैरी कर रहा है, और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है जिसमें हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप फ्लैटन हो गई थी वो 28 माइक्रो सेकेंड के बराबर था। जब हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 168 न्यूटन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन अम्ब्रेला, टिपिकल लिटरल सेपरेशन बिटवीन टू रेन ड्रॉप इज 5 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास सपोज ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की जो डायमीटर है इसको हम यहाँ पे सर्कुलर कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो डायमीटर दे रखी है 1 मीटर के बराबर है। तो पहले हम देखेंगे इसका जो यहाँ पे एरिया है वो कितना है, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू आती है 22/7, आर की वैल्यू 1 मीटर का हाफ करेंगे हम यहाँ पे, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बिकम 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 के बराबर। और यहाँ से अगर मैं इस होल वैल्यू को सॉल्व करूँ, दिस विल बिकम 0.8 मीटर स्क्वायर, यानी अम्ब्रेला का इतना एरिया आ गया। तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि जब रेन ड्रॉप यहाँ पे आएंगी तो रेन ड्रॉप यहाँ पे हमारे पास एक साथ कितनी रेन ड्रॉप लगभग इस एरिया को स्ट्राइक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं एक रेन ड्रॉप की बात कर रही हूँ, दो रेन ड्रॉप के बीच का जो सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच का भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पूरा ये जो एरिया है ये अम्ब्रेला के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पे एक साथ स्ट्राइक कर रहा होगा। तो वी कैन से नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ, दैट विल बी हम देखेंगे 0.8 मीटर स्क्वायर में हमारे पास कितनी रेन ड्रॉप एक साथ स्ट्राइक कर रही है। एक साथ जब हम देखेंगे तो हम इनके बीच का जो सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर है, जिसको 5 × 10⁻² में लिख सकती हूँ, इसका हम एरिया एक साथ निकालेंगे। हम एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो चार हम ड्रॉप है उनको ये कंसिडर करें कि एक साथ ये अम्ब्रेला के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो 0.8 मीटर स्क्वायर में टोटल कितने हमारे पास एरिया आ जाएंगे, उससे हम नंबर ऑफ ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है लगभग हमारे पास ये 320 के बराबर है, यानी 320 हमारे पास यहाँ पे वाटर ड्रॉप एक साथ स्ट्राइक कर रही है। अब हमें यहाँ पे इसके फोर्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि हमारे पास जो एक वाटर ड्रॉप है, एक ड्रॉप का यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है 168 न्यूटन लग रहा है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। यहाँ पे 320 ड्रॉप एक साथ यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हैं जो 0.8 मीटर स्क्वायर में स्ट्राइक कर रही है, तो इनका जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी 320 इंटू 168। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, दिस विल बिकम 54,000 न्यूटन के बराबर, या 54 किलो न्यूटन। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द पार्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।